बजरंग टीवी, कहानी पुराणों की, ज्योति आस्था की। चंद्रदेव, आप चिंता मत करिए, आपने जो लंकेश को दिया था वो तो अमृत कलश हो ही नहीं सकता। हनुमान, यदि वो अमृत नहीं था तो क्या था? हनुमान, तुमने जो पिया है वो अमृत नहीं, चंद्रलोक का जल है, साधारण चंद्र जल। बिना पात्रता के कोई अमृत ग्रहण नहीं कर सकता। जो अमृत ग्रहण करने के योग्य पात्र होता है, मात्र वही अमृत पान कर सकता है। नहीं, नहीं गुरुदेव, ये नहीं हो सकता। पात्र हूं मैं, सयोग्य पात्र हूं मैं। मां शिव भक्त हूं मैं, मां तपस्वी रावण हूं मैं। अमृत ग्रहण कर सकता हूं मैं। गुरुदेव देखिए, अमृत में अभी भी उबाल आ रहा है। देखिए गुरुदेव, ये अमृत ही है। गुरुदेव, आपको भ्रम हुआ है। लंकेश, समुद्र से घिरी हुई लंका में रहते हो, फिर भी तुम्हें स्मरण नहीं है कि पूर्णिमा और अमावस्या की रात्रि समुद्र के जल में भी उफान होता है। ये तो चंद्र जल है, इसमें तो और भी अधिक उफान होगा। लंकेश, मैं तुम्हारा गुरु, गुरु के ज्ञान पे कभी शंका नहीं करना चाहिए। आपके ज्ञान पर शंका नहीं, किंतु अपने ज्ञान पर आत्मविश्वास करता है रावण। ये सत्य है, और मैं आपको अभी सिद्ध करके दिखा सकता हूं। सैनिकों धराओ। जी 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 लंकेश। जी जी लंकेश। सैनिकों, अपने खड़क से मेरे ऊपर वार करो, भरपूर वार करो। दशानन, ये क्या कर रहे हो तुम? आप चिंता ना करें माते, आपके पुत्र का कोई अहित भी नहीं कर सकता। अमृतधारी हो चुका है आपका पुत्र। पुनः मूर्खता मत करो रावण। बस बस गुरुदेव, बस। करो वार मुझ पर, भरपूर वार करो मुझ पर, मेरी डेह पर वार करो। गुरुदेव की बात मानो पुत्र, ऐसा मत करो। वार करो मुझ पर, अन्यथा मैं तुम पर वार करूंगा। वार करो। क्षण में यह सिद्ध हो जाएगा कि ये चंद्रलोक का साधारण जल नहीं, अमृत है, जिसके प्रभाव से मेरी ये चोटें शीघ्र ही ठीक हो जाएंगी। इतना समय हो गया रक्त बहते हुए लंकेश, अगर तुमने अमृत पान किया होता तो रक्त बहना बंद हो जाता। छल किया है तुम्हारे साथ चंद्रदेव ने। किंतु मैंने तो स्वयं अमृत कलश यहाँ से ले जाकर लंकेश रावण को दिया था, फिर ऐसा कैसे हुआ? स्वामी, ये जो कुछ भी हुआ
हनुमान के कारण हुआ। जब हनुमान आपको यहाँ चंद्रलोक ढूंढते हुए आए थे और हम सभी अमृत की सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित थे, तब हनुमान ने कहा, चिंता मत कीजिए चित्रा माता, इसका उपाय भी है मेरे पास, मैं बताता हूँ आपको कि कैसे हो सकती है अमृत की सुरक्षा। ये तुमने क्या किया हनुमान? माता, आप ही ने बताया था ना कि ये मंत्र किसी को स्मरण नहीं रहता, इस पुस्तक से ही मंत्र का जाप किया जाता है। हाँ, किंतु हनुमान, तुमने तो मंत्र का पृष्ठ हटाकर अन्य स्थान पर रख दिया, और इस प्रकार तो मंत्र त्रुटिपूर्ण हो जाएगा। और इससे क्या होगा? जब कोई आपकी इच्छा के विरुद्ध ही अमृत ले जाने का प्रयास करेगा, तो मंत्र के दोषयुक्त उच्चारण से उसे अमृत की नहीं जल की प्राप्ति होगी। किंतु हनुमान, फिर अमृत कैसे प्राप्त होगा? यदि आपको अमृत प्राप्त करना है तो स्मरण कर लीजिए, मैंने पुस्तक के चतुर्थ पृष्ठ को द्वितीय पृष्ठ पर रख दिया है, उसे पुनः अपने स्थान पर रख देंगी तो मंत्र पुनः ठीक हो जाएगा। अर्थात हनुमान की बुद्धिमता के कारण लंकेश को अमृत के स्थान पर चंद्र जल मिल गया। हाँ स्वामी, उस समय हमने अमृत की सुरक्षा के लिए उस मंत्र को ठीक ही नहीं किया था। वास्तविक अमृत अभी भी चंद्रलोक में सुरक्षित है। अमृत रक्षक हो गए हनुमान, देव काज में अर्पित जीवन, दिया उपाय परम युक्ति से, गुण और ज्ञान भरी सुमति से, रावण के छल बल का उत्तर, नूतन नीति से दे रहे कपिवर, अंजनी लाल नीति के सागर, तुम्हरे तेज से जगत उजागर। गाथा बाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की, जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 बाबली हनुमान। अनुपस्थिति में रावण और उसके असुरों से अमृत को सुरक्षित रखने के दृष्टि से आवश्यक था स्वामी। हनुमान, तुमने मेरी शनि दशा से ही रक्षा नहीं की, मुझे घोर पाप से बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है तुमने। चंद्रदेव, ये सब जो हुआ है सब मेरी माँ के आशीर्वाद के प्रताप से ही हुआ है, अन्यथा मैंने तो राक्षसों से सुरक्षा के लिए किया। हनुमान, तुमने अमृत कलश की सुरक्षा केवल राक्षसों से ही नहीं की है, अपनी माँ का भी वचन पूर्ण किया है तुमने। अब तक तो रावण को ज्ञात हो गया होगा कि वो अमृत अमृत नहीं केवल चंद्र जल है। अमृत के स्थान पर साधारण चंद्रजल। देवता, तुम पर विश्वास करके कि तुम सरल हो सच्चे हो, मैंने बहुत बड़ी भूल की। चंद्रदेव, तुम्हें इस छल का परिणाम भुगतना होगा। लंकेश दशानन रावण आ रहा है। तुम पुनः मूर्खता करने जा रहे हो रावण, जाओ।
सर्वप्रथम अपना उपचार कराओ। स्वार्थ में अंधा होकर जब मनुष्य किसी से चालाकी करता है तो वो ये नहीं जान पाता कि कभी कभी उसी की चालाकी उसके लिए संकट बन सकती है, जैसा कि रावण के साथ हुआ। दूसरी ओर परमार्थ के लिए हनुमान के द्वारा की गई चालाकी ने अमृत को असुरों के हाथ में जाने से बचा लिया। परमार्थ के लिए किया गया कार्य वो भले ही चालाकी हो किंतु वो सफल होता है। विजय सदैव सत्य की ही होती है। मैं तुम्हारी माता का बहुत आभारी हूं हनुमान, तुमने उनके वचन को निभाया और मेरी शनि दशा से रक्षा हो पाई। तुम्हारी माता को मेरा नमन। हनुमान, तुमने अपनी माता का वचन भली भांति पूर्ण किया है। अब तुम शीघ्र सुमेरु जाओ और अपनी माता का व्रत पूर्ण करो, क्योंकि तुम यदि नहीं जाओगे तो उनका व्रत पूर्ण नहीं होगा। हाँ चंद्रदेव, माँ व्याकुलता से मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी। मुझे आज्ञा दे। प्रणाम। आप सब माताओं को भी प्रणाम। मुझे आज्ञा दे माता। सत्य है, हनुमान जगत का संकट मोचक है। मारुति संकट मोचन बन कर लिया सृष्टि का सब संकट हर। मन में रख कर माँ का ध्यान, लौट रहे घर परम सुजान। मंगल जननी जन्म भूमि का, सुफल कपीश्वर नवल भूमिका। तेजवंत हनुमंत की जय हो, केसरी नंदन जय 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 हो। गाथा बाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 बाबली हनुमान। ओम चंद्राय नमः। ओम चंद्राय नमः। ओम चंद्राय नमः। मैंने कहा था ना केसरी जी, जिन चंद्रदेव के दर्शन के लिए देवी अंजना ने अन्न जल का त्याग किया था, उन्हीं की अमृतमय औषधियों से युक्त रश्मियां देवी अंजना को शक्ति प्रदान। सत्य है ऋषिवर, अद्भुत है ये महापूर्णिमा की चंद्र किरणें। माँ, मैं आ रहा हूँ। बहुत कष्ट में होंगी आप माँ, किंतु मैं आपका व्रत पूर्ण करा के शीघ्र ही आपके सारे कष्ट मिटा दूंगा।
क्षण ठहरो हनुमान, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मुझे क्षमा करें कालदेव, मेरी माँ ने 3 दिनों से निर्जला व्रत रखा है। अब महापूर्णिमा के चंद्र भी उदित होने को हैं। मुझे शीघ्र जाकर मुझे माँ का व्रत पूर्ण कराना है। मेरे बिना उनका व्रत पूर्ण नहीं होगा। अर्थात तुम्हारे पास इतना भी समय नहीं है कि कुछ क्षण ठहर कर तुम मेरी बात सुन सको? ऐसा नहीं है कालदेव, मैं आपकी बात सुनूंगा। तो मेरी माँ का एक एक क्षण कितना कष्टकारी व्यतीत हो रहा होगा। मुझे इस वक्त सुमेरु में होना चाहिए था कालदेव। मुझे आज्ञा दे कालदेव, मुझे जाना होगा। प्रणाम। हनुमान, मैं तुम्हें समझाने आया था, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारे दृष्टि में काल का कोई मोल नहीं है। अब तुम्हें यह ज्ञात कराना पड़ेगा कि काल का क्या मोल होता है। माँ का व्रत पूर्ण कराने की शीघ्रता में मैंने कालदेव के प्रति कोई अभद्रता तो नहीं कर दी? मैं माँ का व्रत पूर्ण करा के शीघ्र कालदेव के पास लौटकर उनसे क्षमा प्रार्थना कर लूंगा। किंतु अभी तो शीघ्र ही सुमेरु पहुँचना मेरा एकमात्र उद्देश्य है। अंजना, हनुमान अपने उद्देश्य में सफल हो गया है। देखो, चंद्रदेव अपनी पूर्ण भव्यता के साथ आकाश पटल में प्रकाशित हो रहे हैं। देखो, चंद्रोदय हो गया है। अब इनके दर्शन करके तुम अपना व्रत पूर्ण करो पुत्री। मैं अपने पुत्र हनुमान के बिना कैसे अपना व्रत पूर्ण कर सकती हूँ? उसने भी तो व्रत रखा है। हनुमान लौट आया अंजना। माँ, आप ठीक तो हैं? हाँ पुत्र, अब मुझे अपने चंद्र के दर्शन हो गए, मैं ठीक हो गई। माँ, मैंने चंद्रदेव की रक्षा करके आपके वचन को पूर्ण कर दिया है। मैं जानती थी पुत्र कि तुम मेरे वचन का पालन करने के लिए कुछ भी कर सकते हो। मुझे तुम पर गर्व है पुत्र हनुमान। केसरी जी, जो पुत्र अपने माता पिता के दायित्व को, उनके वचन को पूर्ण करने के लिए प्राण प्राण से प्रयास करे, उस पुत्र पर तो सारा संसार गर्व करता है। क्या बात है महाराज कालदेव, कुछ विचलित से प्रतीत हो रहे हैं। क्या हनुमान ने आपकी बात नहीं मानी? हनुमान ने प्रकृति के नियम तोड़े हैं। मुझसे यह भूल हुई कि मैंने उसे उस समय कुछ नहीं कहा जब वो काल चक्र को विपरीत दिशा में घुमा रहा था।
या फिर उस समय जब उसने मेरी तप भंग करने की उदंडता की। हनुमान ने अपने पूर्व काल में कई अनुचित कार्य किए हैं जिससे नियम भंग हुए हैं। यदि उसे नहीं रोका गया तो अनुचित कार्य और भी बढ़ते रहेंगे। हनुमान, तुमने जो प्रकृति के विरुद्ध अनुचित कार्य किया है वो तुम्हें दंड का भागी बनाता है। तुम्हारे अनुचित कार्य के लिए तुम्हें दंड भोगना होगा।